Okay, so let's start from a number. Given below are some emotions that Kezia left. है ना, यहाँ पे केजिया जो है छोड़ चुकी ये इमोशन, केजिया के मन में पापा के प्रति जो भी इमेज था वो छोड़ दी है. तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे मैच द इमोशन इन कॉलम ए टू द आइटम इन कॉलम बी. है ना, ए से हम लोगों को बी में मैच करना है. जैसे फियर फियर और टेरर, यानी कि डर या भय, वो जो है उसको इधर मैच करना है बी से. तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे फादर कम इनटू हर रूम टू गिव हर ए गुड बाय किस. सो यहाँ पर भी उसको डर लगता था. नॉइस ऑफ द कैरियर्स गो फेंटर, यहाँ पे उसको डर नहीं लगता था. तो ये नहीं होगा बी नंबर, बिल्कुल बी जो है फियर नहीं होगा. उसके बाद फादर कम्स होम, जब भी उसके पापा आते थे उसको डर लगता था, तो ये भी होगा. स्पीकिंग टू फादर, पापा से बोलने में डर लगता था, ये भी होगा. गोइंग टू बेड व्हेन अलोन एट होम, जब वो घर पे अकेली थी तो उसको डर लग रहा था, तो ये भी बिल्कुल होगा. एंड देन आफ्टर कि फादर कंफर्ट हर एंड फॉल अस्लिप, यहाँ पे तो उसको डर नहीं लगा था, तो ये नहीं होगा. फादर स्ट्रेच्ड आउट हर ऑन सोफा एंड स्नोइंग, यहाँ पर भी उसे डर लगा था. तो ये सब डर वाले चीज थे. तो यहाँ पे देखिए फियर एंड टेरर में ये सब चीज, तो यहाँ पे आंसर में बताया गया है, ये सब चीज से उसको डर लगता था. कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसमें बी नंबर में कॉलम में देखिए, कॉलम ए के टू नंबर में, ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, मतलब बहुत ही अच्छा लगा, मतलब थोड़ा आराम इसको मिला. कब मिलता था ऐसा? जब नॉइस ऑफ द कैरियर्स ग्रो फेंटर, जब भी पापा का गाड़ी जाते हुए सुनाई देता था कि अब जो है दूर जा रहा है, तो इसको आराम महसूस होता था. और ये सोचती थी आफ्टर मेनी डे नीतू हैज कम टुडे. हाँ ओके, सो इसको जो है जब भी अपने पापा का कैरियर्स, जब यानी कि टमटम या गाड़ी जो भी हो वो दूर जाते हुए रहता था, तो उसको लगता था अब बच गए, पापा गए घर से, अब आजाद है. सो ये टू नंबर का था. और थ्री नंबर में देखिए, ए फनी फीलिंग परहैप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब थोड़ा नीतू व्हाट यू हैव स्टार्टेड नाउ, इस पे लिखने के लिए क्या जरूरत है तुमको. ओके, तो आई विल हैव टू इरेज. ओके, मैं बंद कर दे रहा हूँ लिखने के लिए, जब मैं दूंगा लिखने के लिए तभी लिखिएगा. ओके, सो आज काफी बच्चे जुड़े हैं और सब मस्ती करने के मूड में हैं. सो यहाँ पे ये फनी फीलिंग तब होता था जब फादर कंफर्ट हर एंड सी स्लेप फॉल अस्लिप, तब उसके पापा जब जिस दिन वो डर रही थी उस दिन उसको पापा अपने पास लाए और बहुत ही ये किए, उसको बहुत फनी महसूस हो रहा था कि पापा इतने अच्छे हैं हमको तो पता ही नहीं था. है ना, तो ये ऐप नंबर इस तरह से होगा. तो इस तरह से मैच करना था, जो कि आप लोग कर लिए होंगे आई थिंक कि ये एक कंप्लीट हो गया, एक का वन. लेट्स सी टू नंबर, कोई दिक्कत वन नंबर में? ओके, नो सर. ओके, सो नाउ आई एम प्रोसीडिंग फर्दर. क्वेश्चन नंबर टू, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन और टू सेंटेंस. देखिए ये सब एग्जाम में भी आ सकता है, एक सेंटेंस और एक वर्ड वाले क्वेश्चन आंसर अभी देना है, क्योंकि शॉर्ट आंसर अभी जो है चार ऑप्शन में करके देना है. सो व्हाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, वो अपने पापा से क्यों डरती थी, क्योंकि पापा को जानती थी ठीक से ना. केजियास फादर वॉज ऑलवेज बिजी, क्योंकि केजिया के पापा हमेशा बिजी रहते थे. ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर हर, तो वो अपने बेटी के लिए समय दे नहीं पाते थे, इसलिए बेटी से जान पहचान हुआ नहीं था. उनका वॉइस बहुत ही बड़ा था, हिज वॉइस वाज लाउड एंड ही रेयरली टॉक्ड टू हर, और कभी कभी मात्र बेटी से बात कर पाते थे. सो शी वाज अफ्रेड ऑफ हिम, इसीलिए वो उससे डरती थी. है ना, है ना, यहाँ पे एक अपने लाइन अपने मन से आपको और कुछ ऐसा वर्ड लगे, ऐसा सेंटेंस लगे तो आप जोड़ सकते हो. केजिया वॉज अननोन टू हर फादर, यहाँ पे ये जोड़ सकते हो. केजिया वॉज नॉट नोइंग प्रॉपरली हिज फादर, केजिया अपने पापा को पूरा अच्छी तरह से नहीं जान पाई थी, इसीलिए वो केजिया जो है डरती थी.
क्योंकि पापा कैसे भी हो अपने पापा अच्छे ही होते हैं और अपने बाल बच्चे के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। ओके नाउ लेट्स सी क्वेश्चन टू नंबर, हु आर द पीपल इन केजिया फैमिली। केजिया फैमिली में कौन कौन से लोग थे? तो केजिया की दादी, केजिया के पापा, केजिया की मम्मी। ओके सो दिस वेयर द फोर फैमिली, देयर वेयर फोर पीपल इन हर फैमिली। दे आर केजिया फादर, हर मदर, हर ग्रैंड मदर और एक और थी केजिया खुद। ओके वॉट वॉज केजियाज फादर रूटीन। केजिया फादर का रूटीन क्या था बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस, ऑफिस जाने के पहले वो क्या करते थे? एंड आफ्टर कमिंग बैक टू हिज फ्रॉम हिज ऑफिस और घर वापस आने के बाद क्या करते थे और संडे को क्या करते थे? आप लोगों को कहानी पढ़ाए थे उसमें बताया गया था ऑफिस जाने के पहले केजिया के रूम में आते थे, उसे किस करते थे, गुड बाय बोलते थे और ऑफिस से आने के बाद वो पानी और ये शूज को उतार करके रखने के लिए बोलते थे और संडे को वो स्नोरिंग करके सोते थे सोफा पे फैल के। सो दिस वेयर द रूटीन ऑफ केजियाज फादर। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं उसी को लिखा गया है, बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस हर फादर कम टू हर रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस एंड से गुड बाय। यू हैव टू ऐड हियर एंड से गुड बाय, है ना? वो गुड बाय भी कहा करते थे एंड यूज टू से गुड बाय। बुक में पूरा आंसर नहीं दिया है, आपको यहाँ पे एक ये छोड़ लेना है एंड से used to say goodbye. After coming home in the evening, he demanded tea in the drawing room. यहाँ पे आप जोड़ सकते हो, देखो वो सिर्फ टी ही नहीं मांगते थे, ये अपने केजिया को बोलते थे कि go and put my shoes in the proper place, है ना? उसको बोलते थे कि मेरे shoes को वहाँ पे रख दो। और वो पेपर के लिए भी पूछा करते थे, वेयर इज द पेपर, कि आज आया है या नहीं आया, इस तरह से ये सब चीज़। कहानी से पढ़ के भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, बट इट इज एनफ। ऑन संडे ही स्लेप्ट साउंडली, वो बहुत ही अच्छा से सोते थे, एंड स्नोरिंग स्ट्रेचिंग हिमसेल्फ ऑन द सोफा, दिस इज एनफ। थर्ड नंबर सी नंबर तो पूरा पूरा लिखा हुआ है उसमें कि वो सोफा पे फंसल कर संडे को आराम से सोते थे। Now, four number. In what way did Kezia's grandmother encourage her to get to know her father better? Kezia की दादी कैसे कहती थी कि कैसे मतलब उसको प्रोत्साहित करती थी कि तुम अपने पापा को और जानो, अच्छी तरह से जानो। वो इस तरह से क्योंकि on Sunday afternoon, grandmother sent Kezia to the drawing room to have a nice talk with father and mother. वो हमेशा पापा के लिए बोलते रहती थी कि देखो संडे है आज, और हर संडे को वो भेजती थी अपना, बोलती थी कि जाओ पापा और मम्मी के साथ अच्छे से बात करो, आज उनकी छुट्टी के दिन है। तो इस तरह से उसको इनकरेज करती थी ताकि वो अपने पापा और मम्मी को अच्छी तरीके से जान पाए। सेकेंडली आप इसमें यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि केजिया ग्रैंड मदर टोल्ड हर टू मेक अ पिन कुशन फॉर हर सो डैट सी कुड बी इन अटैचमेंट विथ हिज फादर इमोशन, है ना? केजिया की दादी उसको बोली कि तुम पिन कुशन बना दो ताकि वो अपने पापा से ज़्यादा जुड़ सके, ओके उनको जान सके, इस तरह से जुड़ा हो सके। तो केजिया ग्रैंड मदर इस तरह से केजिया को प्रोत्साहित करती थी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर थ्री, डिस्कस दिस क्वेश्चन इन क्लास विद योर टीचर एंड देन राइट द आंसर। राइट योर आंसर डाउन इन टू और थ्री पैराग्राफ। यहाँ पे हम लोग को दो या तीन पैराग्राफ में करना है, तो दो और तीन पैराग्राफ में किस तरह से हम लोग आंसर लिखेंगे, ये तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। आप इसको देखिए, केजियाज एफर्ट टू प्लेस हर फादर रिजल्टेड इन डिसप्लीजिंग हिम वेरी मच। हाउ डिड दिस हैपन? सो यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है, केजिया का जो इफॉर्ट था वो क्या की थी, वो कोशिश करके पिन कुशन बनाई थी पापा के लिए, रिजल्टेड इन डिसप्लीजिंग, वो दुख में बदल गया। सनी प्लीज माइक ऑफ करो। ओके सो जब केजिया का जो मेहनत था वो किस तरह से उसके दुख में बदल गया, है ना? डिसप्लीज किया, उसको दुख पहुंचाया बहुत ज्यादा। How did it happen? ये कैसे हुआ? तो देखिए केजिया इस तरह से हुआ क्योंकि वो अपने
पापा मम्मी का कुछ अच्छा जो कागज पत्र था, जो कुछ जैसे कुछ इम्पोर्टेंट कागज था, उसको वो फाड़ करके और तकिए कुशन में जो है वो भर दी थी। और इस तरह से वो जो है उसके पापा और मम्मी बहुत गुस्सा हुए थे, और इस तरह से उसपे बहुत डांट पड़ा था। इस तरह से हुआ था ना, पहले तो उसकी दादी उसको बोली थी। सो यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि मैं इसको बता दे रहा हूँ, यदि इसमें कुछ दिक्कत हुआ तो मैं बता दूंगा कहाँ पे कुछ चेंज भी करना है या नहीं। खेजियाज वॉज वेरी मच अफ्रेड ऑफ हिज फादर बिकॉज ही हैड नो टाइम टू टॉक विथ हर। सी स्टटर्ड व्हाइल स्पीकिंग टू हिम, सी वांटेड टू प्लीज हिम, है ना। देखिए केजिया जो है हमेशा दुखी, मतलब डरती थी अपने पापा से, क्योंकि उस कभी भी पापा को जान नहीं पाई थी, और केजिया से केजिया को कभी अपने पापा से बात करने का पूरा मौका नहीं मिला था। वो तुतलाती थी अपने पापा को, इसलिए वो अपने पापा को थोड़ा खुश भी करना चाहती थी। तो उसकी दादी एक दिन, वन डे ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, पापा का बर्थडे नेक्स्ट वीक में है। शी सजेस्टेड दैट केजिया शुड मेक हिम ए पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। तो उसकी दादी उसको बोली कि देखो, येलो कलर का सिल्क में यदि तुम पिन कुशन बनाती हो अपने पापा के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। केजिया टुक ए क्लॉथ एंड स्टिच थ्री साइड तीन साइड उसका सिलाई कर दी, बट शी कुड शी शी थॉट दैट शी वुड फील इट विथ, है ना। वो सोचने लगी कि किससे हम उसको भरे। सी लुक्ड फॉर स्क्रैप, है ना, तो वो थोड़ा चित्रा पत्थर के लिए कहीं कहीं देगी, कहीं टुकड़ा उकड़ा कहीं मिल जाए। तो माँ के रूम में वो खोजने लगी, और फाइनली वो क्या की, मैनी सीट ऑफ फाइन पेपर, यानी कि सुंदर सुंदर पेपर जो थे उसको गैदर की, उसको फाड़ी और उसको स्टफ्ड कर दी, उसमें भर दी, और सीव्ड द फोर्थ साइड, और चौथा साइड उसका सिर दी। रात में क्या हुआ कि एट नाइट देयर वॉज ए ह्यू एंड क्राई, रात में पूरा हल्ला हंगामा हो गया क्योंकि पेपर मिल नहीं रहे थे। फादर वॉज नॉट एबल टू फाइंड हिज स्पीच विच, ओके, उसके पापा स्पीच तैयार किए थे पॉट अथॉरिटी के लिए, वो उनको मिल नहीं रहा था, तो उसके पापा इससे बहुत ही हल्ला किए। व्हेन इट वॉज डिस्कवर्ड डेट, और जब ये पता चला कि केजिया ने उसे फाड़ दिया है एंड फिल्ड देम इन द कुशन, और कुशन में भर दिया है, विच सी हैड मेड टू गिव हर फादर एज ए बर्थडे गिफ्ट, द फादर लिफ्टेड ए रूलर, तो जो है एक रूलर जो है ले गए थे और एक बार उसको केजिया को बीट किए, और इस तरह से सी वाज क्राइंग, और वो रोने लगी, क्राई करने लगी। दस केजिया इसी इस तरह से जो है केजिया का मेहनत, जिसमें कि कुशन बनाने में मेहनत की थी, वो उसका जो है एफर्ट टू प्लीज हर फादर रिजल्टेड इन डिसप्लीजिंग, उसको जो है डिसप्लीज किया, यानी उसके पापा को वो खुश करना चाहती थी लेकिन पापा को क्या कर दी, दुखी कर दी। इस तरह से बच्चे बहुत बार कोशिश करते हैं कि नहीं, बहुत कुछ पापा मम्मी के लिए करना है, लेकिन कभी ना कभी कुछ कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, ये इस बार तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी दिया जाए, क्योंकि 8 तक का तो ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है, लेकिन इस बार हो सकता है लॉन्ग भी दिया जाए, जैसा कि बोला जाएगा आप लोगों को करना होगा एग्जाम में। हाँ, कोई क्वेश्चन है किसी का? Is there any question? Okay, many has left, है ना, बहुत सारे लोग लेफ्ट हो रहे हैं। प्लीज डोंट लेफ्ट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सम मोर क्वेश्चन, और बट नो, इट्स नॉट मोर टाइम वी हैव। तो हम लोग बाकी के क्वेश्चन जो है अगले क्लास में, यानी कि कल हम लोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग का ये पूरा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। और कोई किसी क्वेश्चन जहाँ तक समझाया वहाँ तक में? आरती, एनी क्वेश्चन? नीतू, सारिका, एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, सो नाउ आई एम एंडिंग द क्लास, थैंक यू। No, I'll show you.